आज दिल्ली रोड स्थित बलियाखेड़ी ब्लॉक परिसर में शरद मेला यानी स्वयं सहायता समूह का क्रेता विक्रेता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। यह मेला 3 दिवसीय है, जो कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक लगाया जाएगा। इस मेले के अंदर स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बाजार तक पहुँचाने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में जिला विकास प्रबंधक मनीष कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले के आयोजन का उद्देश्य है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को मार्केट तक पहुंचाना तथा बनाए गए प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार करना है। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। आज हम लोग यहां पे नाबार्ड और NLRM के सहयोग से स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु एक 3 दिवसीय शरद मेला के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, जिसका उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट को मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना, साथ ही उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी विजिबिलिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जर्नल पब्लिक और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स में उसको प्रचार कराना। ये 3 दिवसीय शरद मेला 31 दिसंबर 2021 से लेके 2 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा और स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री में अपना सहयोग दे दिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पाद की स्टॉल लगाई गई है, जिसमें स्वरोजगार स्थापना की गई है स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा। स्वागत और अभिनंदन करें और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, जिस कार्यक्रम को दूर दूर तक जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करते हैं, मैं उनके लिए भी चाहूंगा एक जोरदार तालियों से अभिनंदन। स्वयं सहायता समूह के दीदियों द्वारा ये विभिन्न प्रकार के बहुत ही सुंदर जुराब बनाए जा रहे हैं। कच्चा माल दिल्ली से लाया जाता है, फिर इसको घर पर सिल कर तैयार किया जाता है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 40-50 रुपए होती है। इसकी एक जोड़ी की कीमत कितनी होगी? 25 रुपए कीमत, 15 रुपए लाभ पर ये बेची जा रही हैं। मार्केट में यही लेने जाए तो ये गर्म जुराबे हैं 40 रुपए तक आप, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत ही सस्ते रेट पर आप ले सकते हैं और एक रोजगार दे सकते हैं स्वयं सहायता समूहों को। मैं सभी जनपद के वासियों से अनुरोध करूँगा कि कृपया आएँ और इनके प्रयास को, हुनर को सम्मानित करें और यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के।